हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कलरव हिंदी भाषा की किताब कक्षा 5 से पाठ है आपका 6। पाठ का नाम है प्रकृति की सीख। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो हमें क्या संदेश दे रही हैं वो बताया गया है। आपने अपने परिवेश में और कहीं जाते हो रास्ते में पेड़ पौधे, नदी तालाब, पहाड़, पहाड़ियाँ या जंगली जानवर, नदी इत्यादि चीज़ देखी होगी। ये सब क्या है? ये सब हमें प्रकृति ने हमारे लिए उपहार स्वरूप प्रदान की है। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमें अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाना चाहिए और जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ी हैं, पहाड़ हैं, वन हैं, उनकी हमें रक्षा हमेशा करनी चाहिए। तो इस कविता में हम सीखेंगे कि हमें जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो क्या सीख दे रही हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कविता। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो ये कविता हमने आपको पढ़ के सुनाई, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अब इसका हम समझते हैं भावार्थ। पहली लाइन पढ़ते हैं कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो इसमें पर्वत जो है, पहाड़, आपने देखा होगा बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ होते हैं, वो मनुष्य को शिक्षा देते हैं कि महान बनो और पर्वत जैसी ऊंचाई प्राप्त करो। अच्छा, अपने कार्यों से, अपने कर्मों से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करो और पर्वत जैसे ऊंचे बन जाओ। ये पर्वत का संदेश है। अब सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर कितना गहरा होता है? बहुत ही गहरा होता है, उसका कोई अता पता नहीं होता है। तो कह रहा है कि अपने मन में, ठीक है, और विचारों में गहराई बनाए रखो और गहराई लाओ। सभी के प्रति आदर, सभी का सम्मान करो, आदर के साथ व्यवहार करो। तो यही हमारे अंदर गहराई होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। जो तरल तरंग होती है, ये समुद्र के किनारे जब पानी आता है, चंचल लहरें आती हैं उठ उठ के बार बार, तो वे कह रही हैं, उठती हैं, गिरती हैं। तो उनका कहना है कि इसका मीठी मीठी मृदुल मिस होती कोमल और उमंग मिस जोश और उत्साह, ठीक है, वो संदेश दे रही हैं कि हृदय में, अपने हृदय में उल्लास और उमंग की भावना के साथ अपना जीवन जियो, ठीक है। अर्थात वो हृदय में उल्लास और उमंग की भावना के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। पृथ्वी, जहाँ हम निवास करते हैं, ये पृथ्वी है, धरती है, अर्थ है। तो ये कह रही है कि कितना भी सिर पर भार आ जाए, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। धैर्य मीन्स धीरज होता है। अब देखते हैं, नभ कहता है फैलो इतना, ढकलो तुम सारा संसार। नभ कह रहा है कि हमें संकीर्ण बातों को त्याग कर अपने विचार, अपना व्यवहार को विस्तार रूप देना चाहिए। जो हमारे विचार हैं, हमारा व्यवहार है, वो अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, उनका हमें विस्तार रूप देना चाहिए, नव की तरह। ये सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा रचित है। अब देखते हैं इसके हम अभ्यास कार्य। तो सर्वप्रथम हम हिंदी अनुवाद, कठिन शब्द हैं
वो लिख लेंगे कॉपी पर, नोट कर लेंगे सभी बच्चे। जैसे तरल तरंग, इसका अर्थ होता है पानी की चपल या चंचल लहरें जो समुद्र के किनारे आपने देखे होंगे, तालाब में, नदियों में जो पानी आता है, लहरें आती हैं, फिर वो गायब हो जाती हैं। मृदुल मीन्स होता है कोमल, और उमंग मीन्स होता है जोश और उत्साह, धैर्य मीन्स होता है धीरज। अब हमें लिखना है, इन बोध प्रश्न हमें दिए हुए हैं, इनका हमें आंसर लिखना है। तो पहला प्रश्न आपको देखें क्या है कि पर्वत हमें क्या संदेश दे रहा है, तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, पर्वत मनुष्य को शिक्षा देता है कि वह भी महान बने और पर्वत जैसी ऊंचाई प्राप्त करे। अब क्वेश्चन नंबर 2, तरंग क्या कहती है? तरंग कह रही है कि अपने हृदय में उल्लास और उमंग की भावना के साथ जीवन जीवो, जीवन जीने की प्रेरणा रखो। क्वेश्चन नंबर गा, धैर्य के साथ, धैर्य के संबंध में पृथ्वी का, तो इसका आंसर लिखेंगे कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। संसार को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, संसार को ढक लेने की सीख नभ, नभ का अर्थ होता है आकाश, दे रहा है। तो ये प्रश्न सब नोट करेंगे और उत्तर नोट कर लेंगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये नीचे स्तंभ का में प्रकृति के कुछ अंगों के नाम लिखे हैं, स्तंभ खा में उनसे मिलने वाली सीख गलत क्रम में लिखी गई है, इन्हें सही क्रम में लिखिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए, ऐसे मिलान कर लीजिए। जैसे पर्वत, पर्वत क्या क्या है? ऊंचे बन जाओ, सागर मन में गहराई लाओ, और तरंग हृदय में मृदुल उमंग भर लो, पृथ्वी कभी धैर्य न छोड़ो, और नभ ढकलो तुम सारा संसार। तो ये सब बच्चे अपना कार्य कर लेंगे।